वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जनवरी 2020 और 4 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ हुआ है त्रिपुरा में, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यह क्या है लाई हराओबा पर्व? तो ये साहित्य, संगीत, नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों का एक संगम है और ये त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में अभी शुरू हो गया है। एक्चुअल में त्रिपुरा में जो मणिपुरी मेती समुदाय है वो इसको मनाता है। कौन मनाता है? त्रिपुरा में जो मणिपुरी मेती समुदाय है वो इसको मनाता है। अब ये त्रिपुरा में शुरू हुआ है तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? रमेश बैस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है? तो अभी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए ये जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप होती है इसमें पर मंथ 25,000 रुपए दिए जाते हैं और 5 साल तक रिसर्च के अनुदान के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये देश की 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिशा अधिनियम लागू करने के लिए 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दिशा अधिनियम को लागू करने के लिए 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक तो आईएएस अधिकारी है डॉक्टर कृतिका शुक्ला और दूसरी है आईपीएस अधिकारी एम दीपिका। इन दोनों को दिशा अधिनियम लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है। अब दिशा अधिनियम ये क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामले में तेजी से सुनवाई करने के लिए है ये दिशा अधिनियम और इसको अभी लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश ने इन 2 अधिकारियों की नियुक्ति की है। अब आंध्र प्रदेश ने की है नियुक्ति, तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अभी हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश की जब भी बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की, यानी कि इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। साइबर सेफ वुमेन पहल ये क्या है? तो साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये साइबर सेफ वुमेन पहल है। इसी के तहत अब महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे और इनमें महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक किया जाएगा। अब महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रत्न ओझा का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो रत्न ओझा ये एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे, नाटककार भी थे, और कहां के थे? असम के थे। असम के ये एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, नाटककार और सामाजिक कार्यकर्ता थे, और अभी इनका निधन हो गया है तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब ये असम के थे तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, जब भी बात असम की आती है मैं आपको हमेशा एक नेशनल पार्क के बारे में बताता हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क। असम का नाम आते ही आपके माइंड में तुरंत काजीरंगा नेशनल पार्क आना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पीयूष जायसवाल, और इन्हीं को अभी ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पटना में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने की वजह से इनको अभी ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी लेह में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ हुआ, यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IHAI ने इसका शुभारंभ किया है। किसने? IHAI, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका शुभारंभ अभी लेह में किया है। अच्छा, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? KL कुमार। इसके प्रेसिडेंट है KL कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी केरल CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये प्रस्ताव पास किया है केरल ने, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जब भी बात केरल की आती है मैं आपको हमेशा शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बताता हूं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शांत घाटी कहां है, तो आप बताएंगे केरल में है, और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहां है, ये भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी के स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी के स्मारक संग्रहालय का शुभारंभ किया है, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी ये एक भारतीय अधीक्षक, मानवतावादी आध्यात्मिक नेता और शिक्षक थे। कर्नाटक के तुमकुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास किया है। एक्चुअल में प्रधानमंत्री मोदी अभी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, और वहीं पर इन्होंने ये शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी नई दिल्ली में प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर का 28वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस बार का वर्ल्ड बुक फेयर महात्मा गांधी जी की बुक्स पर बेस्ड रहेगा, और इस बार के वर्ल्ड बुक फेयर की थीम आपको याद रखनी है। तो इस बार की थीम है गांधी द राइटर्स राइटर। क्या है? गांधी द राइटर्स राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई है? तो अभी ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई है, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे कासिम सुलेमानी, ये ईरान के जनरल थे, और इनकी अभी मृत्यु हुई है इराक की कैपिटल बगदाद में, और अमेरिका ने इनकी मृत्यु की है। ध्यान रखना, ईरान के ये जनरल थे और इराक की कैपिटल बगदाद में इनकी मृत्यु हुई है। अब ईरान के जनरल थे तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है?
हसन रूहानी। एक्चुअल में ये जो कासिम सुलेमानी थे ये ईरान की एलीट रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नेता थे और इन्हीं की अभी मृत्यु कर दी है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक नया प्रक्षेपण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के थिथुकुड़ी में इसरो का नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया जाएगा और यहां से छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाया करेगा। अब इसरो ने घोषणा की है, तो इसरो की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताई है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? के शिवान। अच्छा, जब ये नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का प्रोजेक्ट इसरो ने रखा था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था और अब इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दी है इसरो ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अटल कैंटीन का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी हरियाणा में अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।